तो हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल में, इसका नाम है टेक्नो फोर के, और आप सभी लोगों का स्वागत है एक रैंडम से वीडियो में जिसमें मैं आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। वैसे आपने तो थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा और उसी वजह से इस वीडियो को आपने क्लिक किया होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। जो अभी पिछले कुछ मतलब 4 तारीख को हुई थी, मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी देर लग गई क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और आपको बताऊँ कि मैं अभी ये लाइव मतलब फेस कैम वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ चुकी है, तो इस वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम आ चुकी है, और वो इनकम है, मैंने $105 यहाँ पर मुझे आए हैं। तो मेरे बैंक में कुल मिलाकर 6,710 रुपये आए थे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रोसेस कैसी हुई और मुझे इसमें कितना वक्त लगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलते बिना किसी देरी के साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा जो जब $10 हुआ था, तब मुझे एक फॉर्म भरना था कि आपके लिए एक पिन आएगी, उस पिन के द्वारा आप अपना चैनल एक्टिवेट कर सकते हैं, जो मोनेटाइजेशन होता है वो एक्टिवेटेड कर सकते हैं। लेकिन वो पिन मुझे आई नहीं, और मैंने 3 बार इसे ट्राई करने के बावजूद वो पिन मुझे एड्रेस पर आई नहीं। तो इसके बाद मैंने डायरेक्टली उसे ईमेल से मंगा लिया। उसकी प्रोसेस काफ़ी आसान है, आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। तो वहाँ से अभी $100 का सफ़र काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक साल मुझे लगा, करीब करीब एक साल मुझे $100 पूरे करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धीमी सी प्रोसेस ये हुई मेरी। और इस सफ़र में मेरा कोई भी वायरल वीडियो नहीं हुआ, सभी वीडियो मेरे एवरेज थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे $100 ये कम्प्लीटली 1 ईयर लगा। उसके बाद मेरा $100 होने के बाद मुझे एडसेंट में बैंक के लिए पूछा गया, तो मेरे लिए एक बैंक थी वो SBI थी। SBI बैंक काफ़ी ज़्यादा घटिया है, हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा घटिया है, क्योंकि वहाँ पर मुझे अच्छी सर्विस ही नहीं मिलती। और सर्विस की बात करूँ तो वहाँ पर मतलब जो वहाँ पर वो कर्मचारी होते हैं वो अच्छे से आपसे बात नहीं करते। मुझे नहीं पता कि आपकी यहाँ अगर अच्छी होगी तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो काफ़ी घटिया सी है, जो सरकारी बैंक होती है काफ़ी घटिया और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है ये। तो इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप भी कोई भी प्राइवेट बैंक ही चुनिएगा, जिससे आपका पेमेंट जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि सरकारी बैंक में आप एवरेज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी पूछताछ भी करते हो, तो कहाँ से पैसे आ रहे हो, क्यों पैसे आ रहे, मतलब बहुत सारा फालतू का वर्क होता है उनका। वैसे प्राइवेट बैंक में होता है नहीं, प्राइवेट बैंक में सिर्फ आपको पूछा जाता है, मतलब फ़ोन करते रहे, जब आप एड्रेस एडसेंस में डाल देते हैं, मतलब पूरा एडसेंस में जो आपका स्विफ्ट कोड है, IFSC कोड है, और जो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ये सारे आप इंफॉर्मेशन भर देते रहे, तो उसके बाद आपको 1-2 दिन बाद ही बैंक से फ़ोन आता है कि आपके गूगल एडसेंस से कोई पैसे आए हैं, तो आपके ही क्या, तो ये ऐसे आपको पूछते हैं। उसके बाद मतलब ये आपसे पूछेंगे कि आपके पास डिस्पोजल लेटर, हम ईमेल कर देंगे, जो आपके कोई भी अगर आपका ईमेल आईडी हो तो वो आपसे पूछेंगे, तो आप उसे उन्हें दे दीजिएगा, वो डिस्पोजल लेटर देंगे, नहीं तो आपकी जो लोकल बैंक है उसमें भी उसे मंगा सकते हैं। और उसके बाद वो डिस्पोजल लेटर आपको भरना होता है। डिस्पोजल लेटर काफ़ी आसान होता है, मतलब वो पूछते हैं कि ये पैसे आपके ही है क्या, तो इसी में आपको डिस्पोजल भरना होता है। डिस्पोजल का मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डेमो दे देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से डिस्पोजल लेटर आपको भरना होता है। डिस्पोजल लेटर आपको जैसे आप भर दोगे तो यहाँ पर आपको ये सबमिट कर देना है, मतलब बैंक में आपको सबमिट कर देना है, जो भी आपकी मेन ब्रांच होगी उसमें आपको
सबमिट कर देना। उसके बाद ही शाम शाम तक या फिर उसके दूसरे दिन में आपको अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से काफ़ी आसान, आपके अगर लोकल बैंक खोली है आपकी कोई भी, मतलब लोकल बैंक ऐसे होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको करवा पाए। तो जब भी आप कोई भी लोकल बैंक खोलिएगा तो उनसे पूछ लेगा कि क्या आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उनके पास जाके आप स्विफ्ट कोड और IFSC कोड तो वो होता ही है, लेकिन स्विफ्ट कोड उनसे आप ले सकते हैं। उनको बस सिर्फ बता देने का कि हमारे कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, तो इसलिए मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो आपको वह स्विफ्ट कोड दे देंगे जिससे आप ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक ही दिन में मेरा पेमेंट आ गया था। जहाँ मतलब उनका फ़ोन आया सुबह को, शाम तक तो मुझे ये पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके थे। 6,710 रुपये थे, तो इतने पैसे आए थे। लेकिन अभी भी मतलब अकाउंट अभी भी चालू ही है। अब जब भी मेरे $100 से ऊपर हो जाएंगे तो मेरे अकाउंट में अपने आप ये पैसे आ जाएंगे। इसके बाद मुझे कोई भी डिस्पोजल लेटर या फिर कोई भी दूसरी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप भी सरकारी बैंक से मतलब अगर आपकी होगी तो उससे मतलब मत खोलेगा दूसरी बैंक, लेकिन आपकी अगर नहीं हो तो लोकल बैंक, मतलब आपकी प्राइवेट बैंक ही आप चुनिएगा जिससे आपको अच्छी सेवाएं मिले और जल्दी से जल्द आपको अपने पैसे मिल जाए। तो दोस्तों ये खुशी आपके लिए, मतलब आपने ही मुझे दी है। तो बहुत जल्दी हमारे 6,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो उसकी भी एक खुशी है। तो थैंक यू गाइस आपके इतने सपोर्ट के लिए, और थैंक यू सो मच। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके मन में कोई भी एडसेंस से या फिर यूट्यूब मनी से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए।